नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है? जी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? ठीक है। हमारा पांडे साहब लास्ट टाइम भी आया था, हमको वर्कर ट्रेनिंग और रेस्क्यू ट्रेनिंग भी दिया था, पीपी एक्चुएशन भी किया था, बहुत हम लोग का सपोर्ट किया था लास्ट टाइम भी। ऐसे अभी भी आया था, हम लोग बुलाया इमीडिएटली, हम लोग का बात का नहीं मना किया, तुरंत को आया था हम लोग का आज के लिए कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग के लिए बारे में पूरा क्या क्या खतरा आएगा उसका ओवरकम करना है, मतलब उसका कैसे काम करना है, कन्फाइंड स्पेस में काम करने का टाइम है ना, कैसे काम करना है सब आप लोग का बताएगा। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग इधर कन्फाइंड स्पेस में नहीं काम कर रहे, दूसरा साइड में जाके काम कर सकते हैं, उसी टाइम कोई भी आपका सामने कुछ खतरा हो गया तो, वो लोग का कुछ मसला हो गया तो कैसे रेस्क्यू करना है उसको, अगर नहीं है तो आप लोग अंदर जाके काम करने का टाइम है ना, कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा बोल के सब बताएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? समझ गया ना मेरे बात? ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, सब हम लोग आप लोग का बताएगा, ठीक है? थैंक यू रमानु साहब, रमानु साहब के लिए एक बार जोर से ताली। दोस्तों आज का जो विषय है, आप जान रहे हैं कि देवा का सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और हम लोग खुश नसीब हैं कि देवा के साथ और आप अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर सुरक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पर सुरक्षा के ऊपर कोई जोर नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देती रहती है, सिखाती रहती है। और ये क्यों करती है? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रोजेक्ट जो है, जो दीवा है, वो भी ये चाहती है कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग जो है सुरक्षित रहें और वो अपना परिवार मानती है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी लोग मिलकर अपनी कंपनी के लिए और देवा के लिए जोर से ताली बजाकर थैंक्स कहें। ऐसे ही काम करने वाली जगह मिलती रहे। जैसा रामानुज सर ने कहा कि आज जो है सेफ्टी वीक के अंदर हमने एग्जीबिशन भी लगाया आपके लिए, इसमें तमाम तरह के सेफ्टी प्रोडक्ट जो आप लोग अपने काम करते समय इनका इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पीपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीपी। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो स्वयं की सुरक्षा का सामान, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, ठीक है? और जो आज का मेन मोटिव है, जो मेन विषय है, वो है हमारा कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस, तो सबसे पहले इस कन्फाइंड स्पेस में हम क्या क्या चीज सीखेंगे आज जो है, सबसे पहले सीखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या कहलाता है, कन्फाइंड स्पेस में होने वाले खतरे कौन से हैं, उन खतरों से लड़ने के तरीके कौन से हैं, ठीक है? और फिर हम सीखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के तरीके कौन से हैं, और फिर हम सीखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई घटना या दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है तो उससे हम बचाव कैसे करें। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये एक के बाद एक हम इसके ऊपर, इस टॉपिक पे हम जो है पूरा, कोई है, कोई नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, वो हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, चाहे आप कहीं काम जो कंस्ट्रक्शन साइट या जिस तरीके की एरिया में काम कर रहे हो, या फिर आप अपने घर पे होके, अपने घर पे, वहां पर भी इसका जो है जरूरत पड़ेगी। तो जब जानकारी रहेगी तो हम उस हिसाब से अपना बचाव कर सकेंगे। सुरक्षा हर जगह चाहिए, चाहे साइट पे हो या घर पे हो, रोड पे हो, हर जगह हमें सुरक्षा चाहिए। तो सबसे पहली चीज कन्फाइंड स्पेस कहते हैं किसको है? ऐसी कोई भी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, अंदर जाने और बाहर निकलने का एक रास्ता हो छोटा सा, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मेरे साथ एक बार दोहराइए, ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, अंदर जाने बाहर निकलने एक छोटा सा रास्ता हो, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे दिमाग में जो भी जगह ऐसी आती है जहां अंदर जाने बाहर निकलने का एक रास्ता है, वो कन्फाइंड स्पेस कहलाता है।
जैसे ही ऐसी कोई जगह आपको नजर आएगी, आपको फटक से याद आ जाना चाहिए कि हाँ साहब ने हमको सिखाया था ये हमारा कन्फाइंड स्पेस, क्लियर है। और जब ये कन्फाइंड स्पेस हो गया तो यहाँ पे ये खतरे होंगे जिसकी अभी हम जानकारी लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कन्फाइंड स्पेस क्या क्या हो सकता है, जरा क्या क्या हो सकता है, अभी जो मैंने बताया तो चारों तरफ से बंद हो, उस हिसाब से ऐसी कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले 20 मिनट, वेरी गुड, देखते हैं जहाँ चारों तरफ से आप चीजें मिलना है, दूर मट्टी उड़ना सब जगह में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम अभी हम पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं जगह, तो सबसे पहला हमारे दोस्त ने कहा क्या है, बेसमेंट, क्योंकि वो भी अंदर जाने और बाहर निकलने का है, एक ही जगह है। और क्या है, पानी की टंकी, पानी की टंकी हो गया, फायर बोर्ड रूम 3 इंच है, रूम आता है, वेरी गुड, में भी जगह एक ही होता है, स्पेस मिलता है, वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनते जाए और उसकी अपने दिमाग में करते जाए। कमरा, हमारा कमरा जिसके अंदर सिर्फ एक दरवाजा हो छोटा सा, चारों तरफ से बंद हो, वो भी हमारा क्या है, कन्फाइंड स्पेस है। पानी की टंकी, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर ऊपर हो, सिंटेक्स वगैरह क्या होते हैं ना, बड़ी बड़ी टंकियां, ठीक है, वो भी क्या है, कन्फाइंड स्पेस है। सीवर लाइन, जो सीवर लाइन होती है जिसके अंदर, या पाइप, पानी की पाइप लाइन, तो जो भी इस तरीके की पाइप लाइन होगी वो क्या होगी, कन्फाइंड स्पेस होगी, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर हमें काम करते समय कुछ खास तरह के खतरों का ख्याल रखना पड़ता है। अब वहां पे सबसे पहला जो खतरा होगा, वहां पर सबसे पहला खतरा है कि जब कोई चीज चारों तरफ से बंद है, हवा नहीं आ रही है, जा रही है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने का चांस है या नहीं है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, यह हमारा पहला खतरा है। और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला खतरा क्या है, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वहां पे ऑक्सीजन कम है, ज्यादा है, दूसरे गैस जो जहरीली गैस है उसकी मात्रा ज्यादा है, या ज्वलनशील जल्दी से आग लगने वाली गैस उसकी मात्रा ज्यादा है, यह हमें इसका पता नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो भी हमारी जान जाएगी, अगर जहरीली गैस होगी तो भी हमारी जान जाएगी, और अगर जलने वाली, जल्दी से आग लगने वाली अगर गैस है तो भी हमारी जान को खतरा है, क्यों, फटाक से ना आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे खतरे हो गए, किसका, ऑक्सीजन का, जो है गैस का खतरा हो गया। अब दूसरा खतरा क्या है, दूसरा खतरा है लाइट, अगर वो चारों तरफ से बंद है तो क्या वहां पे लाइट की उपस्थिति है, नहीं है, नहीं है, तो अंधेरा होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, तो वो भी हमारे लिए खतरा है, हम अपना हाथ काट बैठेंगे, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगला खतरा क्या है, अगला खतरा ये है कि हम काम करने जा रहे हैं, काफी समय से वो जगह बंद पड़ी है, हमें नहीं मालूम कि वहां पे जहरीले बिच्छू हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, ये जैविक घटना हो गई, ठीक है, कि जहरीले सांप, बिच्छू या ततैया या मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, तो इस तरीके की चीज, इंसेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगला खतरा क्या है, अगला खतरा ये है कि हम कन्फाइंड स्पेस में, बहुत बड़ी टंकी है और वहां पे हमने स्कैफोल्डिंग लगा करके हम काम कर रहे हैं, तो वहां से हमें गिरने का खतरा है या नहीं है, ठीक है, तो वो गिरने का खतरा है, फॉल, तो वो भी एक खतरा हो गया। और उसके बाद एक और खतरा आता है, जब हम काम करते समय, जब हम काम करेंगे, हम केमिकल से काम करेंगे, ठीक है, या तो केमिकल लगाएंगे या ग्राइंडिंग करेंगे, अगर हम इस तरीके का काम करते हैं तो हम और उस खतरे को जो है क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर केमिकल का काम करें तो गैस बनेगी, ग्राइंडिंग का काम करें तो धूल मिट्टी उड़ेगा, वो भी सारे हमारे लिए खतरे हैं। केमिकल हमारी आंखों के लिए खतरा है, हमारे सांस के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरा है, ठीक है, केमिकल हमारी हाथों में लगेगा तो हाथों को खराब करेगा, ये सारे खतरे हैं, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जब हमें खतरों की जानकारी हो गई,
जब हमने अपने दुश्मन का आइडेंटिफिकेशन ले लिया, हमें पता चल गया कि ये हमारे दुश्मन हैं, तो हमें उस दुश्मन से अब लड़ने का क्या चाहिए? वेरी गुड, अब हमें हथियार चाहिए। अब हम उन हथियारों के बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर है? हमारा दुश्मन हमें पता चल गया, कन्फाइंड स्पेस है, उसमें कौन से अलग अलग दुश्मन है, हमने उनकी भी जानकारी ले ली। अब हम उनसे लड़ने का हथियार लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हथियार कोई नए हथियार नहीं है, वही सारे हथियार है जो यहाँ पर उपस्थित है, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। एक एक दुश्मन को हम उसको उसके लिए हथियार देखते हैं कि क्या क्या हथियार होगा। सबसे पहली चीज, जब भी हम कंफाइंड स्पेस में जाने जा रहे हैं, तो पहला हमारा दुश्मन है कि हमें पता नहीं है वहां पे किस तरीके की गैस है, ऑक्सीजन है या नहीं है। तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गैस। क्या होना चाहिए? गैस मॉनिटर। गैस मॉनिटर देखा है कि नहीं? देखा है। हाँ। किस किसने देखा है, हाथ खड़ा करे? सबने देख, हाँ सबने हाथ नहीं खड़ा किया, सब हाथ खड़ा करो, सबने देखा है। वेरी गुड, तो सबसे पहले हम उस गैस मॉनिटर से क्या करेंगे, हम उस कंफाइंड स्पेस में गैस मॉनिटर को डाल के हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे और दूसरी गैसें कितनी है। ठीक है, अगर वो हमारा गैस मॉनिटर बता रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से कम है, तो हम काम करने वेरी गुड, हम काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें पता चल गया हमारा दुश्मन पता चल गया, हमारे मॉनिटर ने बता दिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम वाला दुश्मन यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे ही तुम जाओगे वैसे तुम पे अटैक करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो है अब हमें ऑक्सीजन के दुश्मन को मारना है, यानी कि हमें ऑक्सीजन के लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है, दूसरी गैस की मात्रा को क्या करनी है, कम करनी है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन दो तरह के होते हैं, एक इन और एक आउट। तो हम ब्लोअर लगा देंगे होस पाइप के साथ, जो है ठीक है, जिसके अंदर ताजी हवा अंदर जाएगी और गंदी हवा बाहर आएगी। ठीक है, इसे हमने एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा चला दिया। अब हमने फिर गैस मॉनिटर डाल करके चेक कर लिया कि हमारा दुश्मन मरा है या नहीं मरा। मरने का मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, 19.5 हो गया, इसका मतलब कि हमने अपने पहले दुश्मन को क्या किया, मार दिया, खलास कर दिया। ठीक है, अब हम काम करने जाते हैं। लेकिन हमारा दूसरा दुश्मन वहां पे खड़ा है। दूसरा दुश्मन कौन है? लाइट। लाइट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे अपना इलेक्ट्रिकल साथी जो है उसके अंदर क्या करेगा, लाइट लगा देगा। उसने दूसरे दुश्मन को भी समाप्त कर दिया। तीसरा दुश्मन क्या है वहां पे, हो सकता है हाउसकीपिंग सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, साफ बिच्छू ये हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी जो है साफ सफाई करेंगे, क्लीनिंग कर देंगे। हमने उस दुश्मन को भी खत्म कर दिया। क्लियर है? उसके बाद हम जो काम करने जा रहे हैं, अगर हम केमिकल का काम करने जा रहे हैं, तो हमें केमिकल के पीपी लेने होंगे। ठीक है, अगर हम ग्राइंडिंग या कटिंग का काम करने जा रहे हैं अंदर, तो हमारे पास उस तरीके के पीपी होने चाहिए। अगर हम केमिकल का काम कर रहे हैं, घिसाई का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास केमिकल वाला क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, हमारे पास केमिकल वाला हैंड ग्लव्स होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये रहेगा तो हम उस केमिकल वाले दुश्मन को भी हमने क्या किया, मार दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास चश्मा भी केमिकल वाला होना चाहिए। जब हम ग्राइंडिंग और दूसरे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास उस तरीके के चश्मे होने चाहिए, सेफ्टी आई आई वी जिसे हम बोलते हैं। और साथ के साथ जब हम अगर इसका फोल्डिंग और उसका हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरी गुड, सेफ्टी बेल्ट। जब ये हमारे पास रहेगा, हमने अपने सारे दुश्मनों को क्या किया, खलास कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम अंदर जाके काम करने लगते हैं,
देखते हैं यार सेफ्टी साफ रहे, धूल मिट्टी और केमिकल से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, और जब हम अंदर जाएंगे तो पहनेंगे सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, ये चीजें हमारी जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद आगे कि जितने भी पीपीज आपको दिए जा रहे हैं, इन हथियारों को सही तरीके से आपको चलाने आना चाहिए, यानी कि इन पीपीज को सही तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करना जानते तो भी आपके लिए खतरा है। ठीक है, तो हेलमेट हम कैसे पहनेंगे? हेलमेट के साथ वेरी गुड, ठीक से आप लगाएंगे। ठीक है, चश्मे को भी जो है हम साफ करते रहेंगे, लेकिन चश्मे को हम रगड़ रगड़ के साफ नहीं करेंगे, हम उसे पहले पानी से साफ करेंगे, नहीं तो क्या आएगा उसके ऊपर? स्क्रैच आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। और जब हम सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे तो सेफ्टी बेल्ट को भी जो है हम बांध कर काम करेंगे। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट का क्या फायदा है और क्या नुकसान है अभी नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अब अगला जो है, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के कुछ नियम होते हैं। अब हम उस नियमों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम यह है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी हम अकेले काम करने नहीं जाएंगे। हम हमेशा दो लोगों के, कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा जितनी वहां पे जरूरत हो, लेकिन कम से कम दो लोग अंदर जाने के लिए, और एक हमारा वॉचर हमेशा ऊपर होना चाहिए। कहां पर? जहां हमारा ओपनिंग है, जहां हमारा गेट है, उस गेट पर एक वॉचर होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितने लोगों की टीम हो गई? तीन, दो अंदर जाने के लिए और एक बाहर खड़े होकर के देखने के लिए। ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए। तो तीन, कम से कम तीन लोगों की एक छोटी टीम होगी, और इसके बाद हम चार लोग, पांच लोग, दस लोग, ठीक है, जितने लोग अंदर जाके काम कर सकते हैं आराम से। अगर तीन लोगों से कम टीम है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? कोई ऐसी जगह आएगी जहां सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है तो वहां पे अब फिर क्या करेंगे? वहां पे जबरदस्ती तो दो नहीं भेजेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर हमें फिर एक आदमी आवाचा हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? अब जो दूसरा नियम है वो है वर्क परमिट। कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हमें क्या चाहिए? परमिट चाहिए। किस किस ने देखा है वर्क परमिट? सबने देखा है, पता है वर्क परमिट क्या होता है? पता है क्या होता है? इधर उधर, क्या नाम है आपका? सुग्रीम। सुग्रीम के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। वर्क परमिट क्या होता है? सेफ्टी से साइन कराना इंजीनियर से। दोस्तों इसकी ईमानदारी के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। ने बिल्कुल सही कहा कि जब पढ़े नहीं है तो क्या बताएंगे। किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? आप में से किसी ने पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो विडंबना है ये। आपका वर्क परमिट, आपका अनुमति पत्र, और आपको ही नहीं मालूम जागे ने ये है ना, उसको खींची रस्सी से बांध लो, पोस्टर है ना, ठीक है, उसको बैग से रस्सी है वर्क परमिट को बांध लो। वर्क परमिट जो है एक कागज होता है, क्या होता है? का पेपर है। उस पेपर के अंदर वो सारे रेफरेंस, वो सारी चीजें दी होती हैं कि किस जगह पर कन्फाइंड स्पेस, तो उसमें सब में लिखा होता है कि ये क्या है। और साहब जो है, जो भी सेफ्टी का ऑफिसर होगा, इंजीनियर होगा, वो फोरमैन साहब, क्योंकि हर एक आदमी के पास तो नहीं जा सकता ना, तो वो फोरमैन से पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, ये इनके नीचे जो भी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम करते हैं, ये उनके माई बाप है, क्या है, बड़े भाई है, पिता है, ठीक है, उनकी सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है।
तो ये सेफ्टी साहब को बताते हैं कि हाँ साहब इनके पास हेलमेट भी है, सारी चीजें हैं, और इनके गुड फेथ पे जो है सेफ्टी साहब क्या करते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद जब हम कन्फाइंड स्पेस की अगर बात करते हैं तो सेफ्टी साहब उस जगह पे जाते हैं, वहां पे अपना गैस मॉनिटर लगा करके चेक करते हैं, ठीक है, और जितना ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो उसमें लिख देते हैं, और फिर फोरमैन साहब को बताते हैं कि देखो अभी यहाँ पर 19.5 गैस वो ऑक्सीजन नहीं है, 17 है, आप इसके अंदर ब्लोवर लगाओ और फिर मेरे को एक घंटे के बाद बताओ, ऐसा ही कहते हैं, क्लियर है। फिर एक घंटे के बाद सेफ्टी साहब को बुलाया जाता है, सेफ्टी साहब आते हैं, चेक करते हैं, इस बार देखते हैं 19.5 से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई है, वो टिक मार्क करते हैं, साइन करते हैं, और फोरमैन साहब को कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब आप काम कर सकते हैं। वो ये चेक करते हैं कि सबकी पीपी, और फिर उसके बाद रेस्क्यू, बचाव का यंत्र, रेस्क्यू यंत्र कौन सा होता है, हमारा ट्राइपॉड विंच, ठीक है, तो ये ट्राइपॉड विंच जो है हमारा वहां पर पहले लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें फोरमैन साहब से वो तसल्ली होने के बाद फिर वो जो है क्या करते हैं, फिर एक बार आपके पास आते हैं और अब करते हैं वो टीबीटी, क्या करते हैं, क्लियर है, या तो सेफ्टी साहब टीबीटी करते हैं और नहीं तो कभी कभी कर सकता, नहीं करता ही है, उसका तो काम ही है, वो तो सेफ्टी साहब आए ना आए वो जब तक रहेगा नहीं रहेगा वो हमेशा। यार एक चीज बताओ, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देगा, तो फोरमैन के लिए तो आप क्या है, बच्चे, तो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए तो वो हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा देखेगा कि कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए, क्लियर है। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग अपने फोरमैन साहब के लिए जोर से ताली बजाकर इनको थैंक्स कहें, क्लियर है। अब समझ में आया कि वर्क परमिट क्या होता है, अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं अनुमति पत्र क्या होता है, हाँ या ना, अभी चेक कर लेते हैं, बताओ अभी कब तो समझ में आया, अब बता दो क्या क्या होता है अपने भाषा में जो है सबको, ये सारा कुछ लिखा होता है, जो भी काम करना है वो हर कुछ लिखा होता है, जो भी काम जा रहे करने के लिए वो सारा उसी में लिखा रहता है, काम करने जाते हो तो उसमें लिखा रहता है इस काम के लिए हम जा रहे हैं, वेरी गुड, इंसान मार जाता है, वेरी गुड वेरी गुड, और ये नहीं है कि हम आउट वाला काम कर रहे हैं वो नहीं लिखा हो, हर काम लिखा होता है इसमें, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए इनकी भावनाओं को समझें, जरूरी नहीं है कि हर एक के पास वो सारे शब्द हों, ठीक है, शब्दों की कमी होती है, नहीं कर पाते कोई कोई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सभी लोगों के पास ये मैसेज पहुंच गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि वर्क परमिट क्या होता है, हाँ या ना, एक बार जोर से हाथ, वेरी गुड। अब कोई भी कहीं भी पूछेगा तो ये चुप मत रहना, उसको जाकर के जवाब देना, बताना है कि हाँ साहब हमें मालूम है वर्क परमिट क्या होता है, ठीक है, चाहे इस कंपनी में हो कहीं पर भी हो, इसी को नॉलेज कहते हैं, यही ट्रेनिंग होती है, क्लियर है। अब हमारा वर्क परमिट हो गया, मिल गया हमें, अब टीबीटी में हमारे फोरमैन साहब होंगे या फिर हमारे सेफ्टी साहब होंगे, अब टीबीटी हर काम को करने से पहले टीबीटी होती ही होती है, ठीक है, उसके अंदर दोबारा से टूल बॉक्स टॉप के अंदर दोबारा से आपको बताया जाता है कि बाबू आज आपका ये काम है, इस काम के अंदर ये खतरे हो सकते हैं, तुम्हारे पीपी पहन के काम करना है, ऐसे ऐसे अगर फिर भी कोई बात हो जाती है तो वॉचर को बताना है, वॉचर जो है बाकी लोगों को इन्फॉर्म करेगा, और ये रेस्क्यू का जो है ट्राइपॉड विंच है, यहां से हमें रेस्क्यू करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको काम करने के लिए छोड़ दिया जाए और आप काम करने चलेगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना जोर से, वेरी गुड। अब इसके वॉचर जो है बाहर खड़ा है, अब ये वॉचर की ड्यूटी है कि जब तक हम सांस लेने में परेशानी हो रही है या हमको कुछ तकलीफ सी हो रही है तो इमीडिएट हमें क्या करना है, बाहर आना है, हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ 5 मिनट का काम रह गया है, 10 मिनट का काम रह गया है, इस काम को निपटा लेता हूं और फिर मैं ऊपर जाऊंगा। जैसे ही हम ये 5 मिनट और 10 मिनट के काम को निपटाने के चक्कर में लगते हैं, वैसे ही हमारी जान जोखिम में पड़ जाती है,
क्लियर है, ये 5 मिनट का काम हो जाएगा, लेकिन एक बार जिंदगी निकल गई तो दोबारा नहीं आएगी। ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, दिल में हमेशा रहना चाहिए कि जान है तो काम है, काम है तो जान नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ जान रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारी तबीयत खराब होने लगेगी, हमारे को परेशानी लगेगी, मन घबरा रहा है, वैसे ही इमीडिएट हमें क्या करना है, बाहर आ जाना। फ्रेश हवा में आधा एक घंटा एकदम ठीक से हुए और फिर हम काम करने के लिए जाएंगे। क्लियर है। अब ये तो हो गई कि पहले ही पता चल गया तो हमने अपने बचाव कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि बचाव करने का मौका ही नहीं मिलता और हम वहीं पे धड़ाम से ना क्या हुआ, गिर गए। अब जब गिर गए, बेहोश पड़े हुए हैं, गिर गए, तो जैसे ही गिरेंगे बेहोश होंगे, इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। और दोस्तों एक चीज और बता दो कि हर आदमी के सांस लेने की क्षमता, सांस रोकने की क्षमता, ठीक है, वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हो सकता है कि मैं जल्दी बेहोश हो जाऊं और दूसरा आदमी ना हो पाए, तो जो जैसे ही अगर कोई आदमी के साथ कुछ घटना घट रही है तो इमीडिएट उसके साथी को क्या करना है, सबसे पहले उसे खींच करके कहां लाना है, बाहर। बाहर कहां, बाहर तो खैर नहीं ला पाएंगे उस समय, उसे सबसे पहले उस जगह पे लाना है जहां से हम अंदर गए थे, क्योंकि एक ही रास्ता है ना अंदर बाहर आने का, ठीक है। तो उस जगह पे क्यों, क्योंकि वहां ओपनिंग है, वहां थोड़ा सा खुला हुआ जगह है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो सबसे पहले हमें उसे वहां खींच के लाना है। इमीडिएट हमको किसको बताना है, किसको, जोर से, वॉचर को पहले बताएंगे, वॉचर फोरमैन को बताएंगे, ठीक है। तो इमीडिएट हमने किसको बताया, किसको बताया, वॉचर को, और वॉचर ने बाहर खड़ा है, उसने मोबाइल से उधर इन्फॉर्म किया, फोरमैन को भी इन्फॉर्म किया, सेफ्टी साहब को भी इन्फॉर्म किया, ठीक है, क्लियर है। और साथ के साथ जो रेस्क्यू का जो ट्राइपॉड हमारा लगा हुआ है, उसने विंच की रस्सी को क्या किया, डाउन कर दिया, और विंच की रस्सी में आपने देखा होगा एक हुक लगा होता है, होता है कि नहीं, वो हुक कहां लगाते हैं, बेल्ट में, ये जो सेफ्टी बेल्ट देख रहे हो, हाँ, उसके जो डी रिंग है दिखाई दे रहा है, उसमें लगा देते हैं, और जैसे ही लगा देते हैं फिर वॉचर हमारा उसको क्या करता है, विंच को घुमाता है और उसको बाहर निकालता है। क्या हम बेहोश आदमी को कंधे पे ला सकते हैं, मुश्किल है, इसीलिए बेहोश आदमी के लिए ये ट्राइपॉड विंच होता है, क्लियर है। और अब समझ में आया कि अगर बेहोश आदमी है और उसने सेफ्टी बेल्ट निकाल रखा है तो विंच कहां लगेगा, लगाने की जगह है, तो सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहनना जरूरी है या नहीं, सेफ्टी बेल्ट इसलिए पहनना जरूरी है जिससे कि हमारी रेस्क्यू जल्दी हो जाए, नहीं तो क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। अब सेफ्टी बेल्ट उसने निकाल दिया है, अब बेचारा विंच की रस्सी पहुंच गई है लेकिन लगाने की कोई जगह नहीं दिख रही है, फिर वॉचर को बोलेगा कि वॉचर इसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, फिर वो वॉचर क्या मंगाएगा, वो रेस्क्यू ट्रायंगल मंगाएगा, वो पीला वाला देख रहे हो, हाँ, वो रेस्क्यू ट्रायंगल मंगाएगा, ऐसे लगाएगा ऐसे, ठीक है, और यहां से फिर, लेकिन रेस्क्यू ट्रायंगल कहाँ है, ये तो सेफ्टी साहब के ऑफिस में है या स्टोर में है, और इसको लाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और तब तक हमारा साथी क्या होगा, तब तक हमारा साथी निकल लेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखे, अपने पीपीज का सही इस्तेमाल खुद करे, ठीक है। तो वो हमारा जो सेफ्टी बेल्ट है वो क्या है, वो पीपी है, वो हमारा खुद के लिए है, तो अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको सही से पहन के नहीं रखेंगे, तो हमको बचाने में देरी हो जाएगी और हमारा जान चला जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब सॉरी, अब हमने जो है अंदर काम कर रहे थे, ये घटनाएं हुई, सब कुछ हो गया, आज का दिन हमारा निकल गया, आज हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई, हम काम करके चले आए, बाहर आ गए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, काम खत्म हो गया, जो ओपनिंग था हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया,
जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हुए थे क्या किया हमने, निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम खत्म हो गया। एक दो घंटे के बाद हमें याद आया कि मेरा मोबाइल कहां रह गया, अंदर रह गया। मेरे घर की चाबी कहां रह गई, मेरा पर्स कहां रह गया। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है? अब मैं क्या करूंगा अगर ऐसा हो गया तो? क्या करोगे? अब घर जाने का समय हो गया, बस भी खड़ी है और अचानक से याद आया कि यार ये तो मेरा तो चाबी भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम दौड़े दौड़े भागे भागे जाएंगे और निकाल लेंगे। सही बात है कि नहीं? किसी ने कहा था दौड़े दौड़े जाएंगे और निकाल लेंगे? तुमने कहा था? दोस्तों, ईमानदारी के साथ कायदे से हम वही करते हैं। दिल पे हाथ रख के बोले, वो दिल की आवाज निकल गई थी, दौड़े दौड़े जाएंगे और निकाल के ले आएंगे। दोस्तों, अक्सर हम यही करते हैं और जब भी हम ये करेंगे हम हमेशा दुर्घटना को दावत देंगे। कैसे दावत देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूर। अब सोचिए, जब हम काम कर रहे थे, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं लगी हुई थी, पीपी था, सब कुछ था, हमने ढक्कन बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके चले आए। एक घंटे दो घंटे के बाद जब हमें याद आएगा तो उस दो घंटे के अंदर केमिकल ने वहां पर वहां की सारी ऑक्सीजन को क्या किया है, खत्म कर दिया है। अब वहां पे ऑक्सीजन कुछ दूसरी जहरीली गैस हो सकती है। तो जैसे ही आप बिना बताए, आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जाऊंगा और ले आऊंगा, तो जैसे ही आप अंदर गए और वहां ऑक्सीजन न होने की वजह से धड़ाम से ना क्या होगा, गिर जाएंगे और वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। इस तरीके की घटना हुई है, ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर इस तरीके की घटनाएं हुई है कि अंदर पिट में आदमी गया है बिना बताए, उसके साथ भी यही चीज हुआ था, सोचा जाकर के ले आऊंगा अपना सामान, अंदर गया और वहीं पर लुढ़क गया। उसका दूसरा साथी बचाने के लिए गया, वो भी बिना बताए उसी तरीके से वो भी लुढ़क गया, चार पांच आदमी उसके अंदर मर गए। बाद में पता चला कि ये क्या हो रहा है, जब वहां पर जो है चेक किया गया तो वहां पर जहरीली गैस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा काम हम तो करना क्या है, करना ये है कि जैसे ही अगर कोई ऐसी अगर ऐसा घटना आपके साथ हो जाती है, आपका सामान छूट जाता है, तो सबसे पहले हम किसको इन्फॉर्म करेंगे? वेरी गुड, सेफ्टी साहब को या अपने फोरमैन को। हो सकता है सेफ्टी साहब को कहने में हमें थोड़ा हिचक हो, तो हम सीधा किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? फोरमैन के पास। वेरी गुड, और फोरमैन साहब को बताएंगे कि साहब गलती से, देखो गलतियां हो सकती हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, हो जाता है, काम की धुनकी में आदमी कुछ चीजें छूट जाती है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें सही नियम का पालन करना है। अब सही नियम का पालन क्या है, हमने फोरमैन साहब को बताया, फोरमैन साहब ने सेफ्टी साहब को बताया, सेफ्टी साहब फिर से गैस मॉनिटर लेकर के आए, उन्होंने चेक किया, अगर देखते हैं 19.5 ऑक्सीजन है तो क्या कहेंगे, 19.5 है, उससे ज्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा, तो क्या कहेंगे, जाने के लिए कह देंगे कि भाई जा जल्दी से लेके आ जा। सही है कि नहीं? और अगर 19.5 से ऑक्सीजन की मात्रा कमती है तो कहेंगे कि रुक जा, वो ब्लोअर ऑन कर, आधे घंटे ब्लोअर ऑन कराएंगे, फिर चेक करेंगे, और जब 19.5 हो जाएगा तो कहेंगे अच्छा जाओ अब जाकर के ले आओ, ब्लोअर बंद करो, घर जाओ। सिंपल, सही है या गलत है? सही है। तो हमें इस नियम का पालन करना है, जब हम सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो आज के पूरे टॉपिक को जो है मैं अब कंक्लूड कर देता हूं, कोई सवाल होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, हमने सीखा कन्फाइंड स्पेस में होने वाले खतरे कौन कौन से हैं, हमने सीखा उन खतरों से लड़ने के कौन कौन से हथियार हमारे पास हैं, फिर हमने सीखा कि वहां पर काम करने के नियम क्या होते हैं, वर्क परमिट क्या होता है, ठीक है, और अगर हमसे कोई घटना हो जाती है तो हमको रेस्क्यू ट्राइपॉड के द्वारा हमें कैसे बचाया जाएगा। फिर हमने ये भी सीखा
कि अगर काम करने के बाद अगर हमारा सामान छूट जाता है, हमें दोबारा री एंट्री करनी है, तो हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, यानी कि हम पूरा 100% हमने क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, सेव किया, सेव कर लिया। तो इसी नियम के तहत आपको कन्फाइंड स्पेस में हमेशा काम करना है। दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो यही नियम का पालन करेंगे। अब घर या पानी की टंकी या कहीं पानी की टंकी अगर घर पे आप सफाई करने जा रहे हैं, कुछ भी जो है, तो वहां पर जो है क्या करना है कि वहां पर भी हमें इन्हीं नियमों का पालन करना है। अगर घर बहुत समय से बंद है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। पानी की टंकी के दरवाजे क्या करने हैं, खोल देने हैं। कितनी देर के लिए, घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जिससे कि अंदर से हवा अंदर बाहर हो जाए। तो जब हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा हो गई कि नहीं, ठीक है। तो यही नियम जो हम यहां पर करेंगे वही नियम हम जो है अपने घर पे भी करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, उससे जो कोई भी सवाल मन में कुछ भी आ रहा हो, कोई सवाल नहीं आ रहा पूछो यार, नहीं पूछोगे तो आप लोग भी पूछ सकते हैं सर, एनी डाउट कुछ भी। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। अब एक चीज और बता दूं, अभी आप लोगों को एक पर्ची दिया था भूल गए, दिया था। उस पर्ची के अंदर जो है एक एड्रेस लिखा हुआ है, YouTube का एड्रेस है, ठीक है। उस YouTube के एड्रेस में जिस तरीके से अभी हमने ट्रेनिंग दिया, ये वीडियो बना रहे हैं, बना रहे ना, उसी तरीके से और भी वीडियो है उसके अंदर। तो ट्रेनिंग की ही वीडियो है, वो चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया, सिर्फ आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। जिससे कि जब हमने ये ट्रेनिंग दिया, ये वीडियोस भी कुछ दिन के बाद उसको मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप उन चीजों को बार बार देखें, हर 15 दिन 20 दिन पर आप उनको देखें। जब आप देखेंगे तो आपको हमेशा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको याद आएगा, अरे यार ये तो पंडित जी इन्होंने ये चीज सिखाया था। जब आप देखेंगे, जब आप दो शब्द सुनेंगे तो चार शब्द आपको पुराने याद होने लगेंगे, ठीक है, और फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी। इसीलिए वो कागज दिया है, आप उस कागज के सहारे YouTube पे जाएं, चैनल पे जाएं, वहां पर इन चीजों को देखें और दूसरों को भी दिखाएं, खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। ऐसे साथियों को खास तौर से जो जिनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती, ऐसे साथी हैं या नहीं है, ऐसे बहुत से साथी हैं आपके नॉलेज में होंगे, तो उन साथियों के साथ उन वीडियोस को शेयर करें, उनको भी सिखाएं कि ये क्यों जरूरी है, और वो भी काम करते समय इन नियमों का पालन करके अपने आप को सुरक्षित कर सके। लोगों को सुरक्षित करना यही मेरा एक, समझ लीजिए कि मेरी जीवन का यही एक उद्देश्य है। अगर मेरे कहने से, मेरी ट्रेनिंग से अगर दो लोग भी अगर इसके अंदर उन्होंने सही से पालन किया और उनका जीवन बचा, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, ठीक है। तो आप इसमें जो है सहयोग करें। चलते चलते एक बहुत एक घटना मैं बताना चाहूंगा, जब आप जहां रहें वहां नियमों का पालन करें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम नियमों का पालन करते हैं लेकिन दूसरा जब नियम का पालन नहीं करता तो भी दुर्घटना हो जाती है। और ऐसी ही एक दुर्घटना के अंदर मैंने अपने बुआ और फूफा जी को जो है खो दिया। वो नियमों का पालन कर रहे थे, वो स्कूटी पे थे दोनों जने, लेकिन पीछे से एक डंफर वाले भाई ने जो है उड़ा दिया उनको। क्यों, ये तो नियम का पालन कर रहे थे कि अपनी स्पीड, अपनी लाइन, सब कुछ जो है, लेकिन उस डंफर वाले ने अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं किया, और जो कर्व है, मोड़ है, और वहां पे तेजी में मोड़ा और उसने जो है ठक्कर मारी और वो लोग उछल के गिरे, एट द स्पॉट डेथ हो गई। इसमें गलती किसकी कही जाए, जिसने नियम को तोड़ा। लेकिन नुकसान किसको हुआ, नुकसान तो हमें हुआ ना, हमें मानसिक भी नुकसान हुआ और उस परिवार का जो है जो आर्थिक मानसिक जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ। साथ के साथ दोस्तों हम उनकी जगह पे आप खुद रख करके सोचिए अपने आप को, जो है कोई भी दुर्घटना होती है उसमें आप अपने आप को देखिए। देखिए कोई भी दुर्घटना होती है ना तो हमें दुर्घटना के सिर्फ सामने का चेहरा दिखाई देता है एक बार जो है कि एक आदमी मर गया,
लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता कि उसके पीछे उसके परिवार का क्या हाल हुआ, उसके पीछे उसके परिवार की स्थिति क्या हुई। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी गलती, हम एक बार थोड़ा सा नियम का पालन नहीं करेंगे जो हमको सिखाया जा रहा है, बार बार सिखाया जाता है, हमारे साथ क्या होगा, हमारा हाथ कट जाएगा, आंखें चली जाएंगी, पैर चला जाएगा, यहां तक होगा कि हमारी जान चली जाएगी। अगर हमारे एक साथी की जान चली गई, मान लो जान चली गई, या वो ऐसे आधा होकर के पड़ा हुआ है, कंपनी तो पहले निकालेगी, तो सबसे पहले आर्थिक रूप से हमारा क्या हुआ, जोर से आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, फिर उसके बाद परिवार का पूरा तहस नहस, जो भी हमने सपने देखे थे वो सारे सपने जीरो हो जाएंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो दोस्तों ये मन में हमेशा इस चीज का भय रखिए कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, ना हम ऐसा खुद अपने साथ होने देंगे, ना हम ऐसा कोई गलत काम करेंगे, और ना हम किसी दूसरे साथी के साथ होने देंगे कि हमारी गलती की वजह से दूसरे साथी की जान जोखिम में पड़े। क्लियर है? अब सभी लोग अपना हाथ सामने करें। अब हम कन्फाइंड स्पेस की जो है, अब हम लोग जो है शपथ लेंगे, ठीक है? बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं, जब भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे, हमेशा कन्फाइंड स्पेस के नियमों का पालन करेंगे, काम करने से पहले वर्क परमिट लेंगे। अगर कन्फाइंड स्पेस में 19.5 ऑक्सीजन कम होगा तो काम करने नहीं जाएंगे। काम करते समय हमेशा सुरक्षा नियमों का और सुरक्षा के उपकरणों का प्रयोग करेंगे रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू ट्राइपॉड विंच का प्रयोग करेंगे हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे खुद पालन करेंगे और दूसरों को भी पालन कराएंगे। धन्यवाद।